हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आयुष अकेडमी पे। दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ, जो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय है, उसका जो बीएड जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हुआ था 2021-23 सत्र का, दोस्तों इसमें जो है बहुत जो सारे स्टूडेंट्स का जो मैसेज आ रहा था, इसकी जो काउंसलिंग से रिलेटिव कोई वीडियोज़ के लिए, दोस्तों मैंने इस पर भी ऑलरेडी पहले जब इसकी जो है काउंसलिंग पे मैंने ऑलरेडी जिस पे एक दो वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है, आपने अगर वो नहीं देखी, देखिए यहाँ पे काउंसलिंग डेट्स इसकी ऑलरेडी आ चुकी थी। जब इसकी काउंसलिंग डेट्स का नोटिफिकेशन आया था तो मैंने आपको बताया भी था कि आपको कैसे कैसे काउंसलिंग करनी है, और इसकी जो डेट थी वो 13 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच इन्होंने डेट दे रखी थी आपको, ठीक है। हालाँकि अभी आपने चलो काउंसलिंग अटेंड नहीं भी करी है, तो तब भी आप जो है किसी इससे जो एफिलेटेड किसी दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन अभी भी ले सकते हैं, ठीक है, जब वहाँ पे एडमिशन स्टार्ट होंगे। तो मैं इसका जो नोटिफिकेशन है काउंसलिंग का, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार, ताकि आपको क्लियरली पता चल सके कि जो इसमें एडमिशन्स काउंसलिंग प्रोसेस हुई थी किस तरीके से हुई थी। देखिए, इसमें इन्होंने साफ लिखा था कि जो भी स्टूडेंट्स जो है श्रीदेव सुमन के जो है 2021-23 जो इंट्रेंस एग्ज़ाम्स है उसमें सम्मिलित हुए थे, उनकी जो मेरिट सूची इन्होंने जो है यूनिवर्सिटी की साइट पे अपलोड कर दी थी। तो इन्होंने लिखा था कि जितने भी जो है स्टूडेंट्स हैं जिनका मेरिट में नाम आ गया, अगर वो किसी कॉलेज में एडमिशन्स लेना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या करना था कि काउंसलिंग के टाइम पे 3 कॉलेज चूज करने थे, मतलब कि जो चॉइस प्रेफरेंस होता है, चॉइस फिलिंग होता है कॉलेज की, वहाँ पे 3 कॉलेज फिल करने थे। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर, यानी पहले नंबर पे वो कॉलेज जिसको आप सबसे जिसमें आप चाहते हैं कि मेरा एडमिशन्स इसी में हो, दूसरे नंबर पे आपको दूसरा कॉलेज चूज करना था, तीसरे पे तीसरा, फिर जो है तीनों में से एक कॉलेज आपको मिलता और जिस जो कॉलेज आपको मिलता उसमें आपका एडमिशन्स हो जाता। तो इनकी काउंसलिंग इस तरीके से हुई थी, ठीक है। तो इनके लिए जो काउंसलिंग के लिए इन्होंने जो डेट दे रखी थी वो 13 दिसंबर दे रखी थी, और लास्ट डेट 24 दिसंबर दे रखी थी। इन्होंने फीस जो रखी थी काउंसलिंग के लिए 700 रुपये रखी हुई थी जनरल ओबीसी के लिए, और बाकी के लिए 400 रुपये रखी हुई थी, और इन्होंने कॉलेज के कोड यहाँ पे दे रखे थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा था कि ये कॉलेज के कोड दे रखे हैं, यहाँ पे देखिए आपके गोपेश्वर है, कोटद्वार है, रुड़की है, तो काफ़ी सारे कॉलेज हैं इनके। ये देखिए गवर्नमेंट जो राजकीय महाविद्यालय हैं इनके, इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी आपके हैं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर चमोली, ठीक है, उत्तरकाशी, देहरादून, डाक पत्थर, अगस्त मुनि, बहुत सारे कॉलेज इसमें हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी लिस्ट है। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज भी इसमें काफ़ी सारे हैं, तो टोटल जो सीटें हैं इसमें 2700 सीटें थी प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिला के, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरीके से आपको क्या करना था कि काउंसलिंग अटेंड करनी थी, लेकिन अगर आपने काउंसलिंग अटेंड नहीं करी है तो इसका दूसरा तरीका जो है मैं आपको बताऊंगा, दूसरे तरीका किस तरीके से आपको जो है एडमिशन्स ले सकते हैं, अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज इनमें से किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन्स लेना चाहते हैं और आपने श्रीदेव सुमन का जो है बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। मतलब कि शर्त यह है कि दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन्स लोगे तो आपको श्रीदेव सुमन का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना कंपलसरी है, जैसे HNB का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देना कंपलसरी है, आप DAV में एडमिशन्स लेते हैं, दयानंद वोमेंस में लेते हैं, राठ महाविद्यालय में लेते हैं, जहाँ पे भी आप एडमिशन्स लेते हैं आपको HNB का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स अटेंड करना कंपलसरी है, वैसे इसमें भी जो है श्रीदेव सुमन का जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का अटेंड करना कंपलसरी था। और दोस्तों इन कॉलेजों पे मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा जब इनके जो है रजिस्ट्रेशंस यहाँ पे बीएड के स्टार्ट होंगे, अलग किस में कौन से कॉलेज में कब रजिस्ट्रेशंस हुए हैं, कैसे हुए हैं, स्टार्ट हुए या नहीं हुए, उस पर मैं अलग से सारे कॉलेज पे कोशिश रहेगी अलग अलग वीडियोस में लेके आ जाऊँगा, या ऐसा भी हो सकता है कि एक वीडियोज़ में मैं 2-3 कॉलेज जो है यहाँ पे अटेंड कर लूँ और उसमें आपको डायरेक्ट बता दूँ कि इसमें जो है रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कैसे होंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल आप चैनल के साथ बने रहिए, और इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस के लिए एंड कमेंट, बहुत सारे जो है कमेंट्स का जो है रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपका
कोई आपको कोई कुछ जो है हेल्प की ज़रूरत है तो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट्स का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता दोस्तों।